सर्वाइवल सीरीज पार्ट पिछले से अगला। सो हाय गाइस, वेल कैसे हो तुम सब लोग, मजे में? कमेंट में बताओ। एंड तुम लोगों को याद होगा पार्ट वन में मैंने ये वाली केव ढूंढी थी एंड इस केव के अंदर माइनशाफ्ट थी, है एंड यहाँ से मैंने इस केव को लॉक कर दिया था। इधर कोई बचा है क्या? ओह, इसको क्या लगा मुझे नहीं दिखेगा? इसी बात पे ले और ये निकल। ये केव यहीं पे खत्म हो रही है। मुझे लगा था ये बेडरॉक तक तो जाएगी। माइनशाफ्ट के अंदर चेस्ट को ढूंढते हैं। एक घंटे बाद, मतलब मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला था, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। इतनी बेकार माइनशाफ्ट कैसे हो सकती है? नाउ यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, बट मैं इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस चेस्ट को वहीं छोड़ दिया है। एंड ये सही रहेगा, इससे बाद में मुझे पता चल जाएगी मेरी चेस्ट यहाँ पर है। वैसे तुम लोगों को याद होगा मैं उस तरफ से आया था, देन मुझे यहाँ पे ये वाली केव मिली थी। सो नाउ मुझे इस तरफ जाना है। यहाँ से मुझे लकड़ी बहुत सारी मिल जाएगी अपना मेंशन बनाने के लिए, बट मुझे यहाँ पे प्लेन जगह तो मिल ही नहीं रही है। थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। आई गेस इतना बहुत है। वेट, यहाँ पे रवीन है क्या? ओके, बड़ी वाली नहीं है, बट स्टिल आयरन मिल ही जाएगा। ये गई स्वैम्प बायोम। पिछले एपिसोड में मैंने स्वैम्प बायोम को बुरा बता दिया था। आई नो क्ले के नीचे डायमंड मिलते हैं, बट ये बायोम देखने में अच्छी नहीं लगती। मेरी फेवरेट बायोम तो प्लेन्स है। हाँ, बट प्लेन्स में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। व्हाट मिलता है? विलेज। पीछे की तरफ जंगल वाली बायोम है, यहाँ पे स्वैम्प है और इस तरफ प्लेन्स, और वहाँ पे विलेज भी है। नाइस, मैं जा रहा हूँ। क्या विलेज है? आई नो ऐसे ही होते हैं विलेज। रात हो गई है, मैं किसी विलेज के घर में सोना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना बेड लगाऊंगा और सो जाऊंगा। सुबह के 8 बजे आज मैं इस पूरे विलेज में घूमूंगा। ओह वेट, एक चीज तो मैं भूल ही गया, चेस्ट है क्या? नहीं है। इस विलेज का नल्ला विलेजर। इन लोगों से मैं ट्रेडिंग करूं क्या? ये क्या दे रहे हैं? ओके, 6 लेदर में 1 एमराल्ड मिलेगा और मेरे पास 3 है, ट्रेडिंग अभी नहीं कर सकता। गोलम भाई हाय। आज ये मेरे से बच जाएगा, बिकॉज मैं इसको नहीं मारूंगा, आज से मेरा बॉडीगार्ड है। इस विलेज में हेबेल की कमी नहीं है, मतलब खाने की कमी नहीं पड़ने वाली। देखो यहाँ पे भी कितने सारे हेबेल्स हैं। विलेज तो ये ठीक ठाक है, यहाँ पे मुझे ब्लैक स्मिथ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे दूर दूर तक प्लेन्स बायोम है। वो वाला रुइंड पोर्टल है क्या? यही फायदा है चंक ज्यादा करके देखने का, मतलब दूर दूर के सामान भी दिख जाते हैं। एंड ये सामने वाली जगह कितनी मस्त है, यहाँ पे मैं अपना मेंशन बनाऊंगा और यहाँ पे खेती करूंगा। रुइंड पोर्टल, देखते हैं क्या मिलेगा। कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, बट या चल जाएगा काम। एंड ये गए मेरे सोने के जूते। यस, इस पोर्टल में गोल्ड ब्लॉक नहीं है, बिकॉज ये छोटा वाला पोर्टल है। कोई नहीं, सहलेंगे थोड़ा सा, चलते हैं वापस। कुछ खास तो मिला नहीं। मेरे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इस घर के अंदर रख देता हूँ। ओके, बिकॉज अभी मेरे पास चेस्ट भी नहीं है। इस विलेज के अंदर डेजर्ट बायोम भी है। सही है ये कैसे हुआ? ओके, मेरे पास फ्रोस्ट बोकर के गोल्डन बूट्स हैं। चेंज करो, अभी सही है। अभी मेरे पास 6 लेदर्स है, सो मैं अपना पहला एमराल्ड ले लेता हूँ। व्हाट, ये वाला नहीं है? हाँ ये वाला है। ओके, सो या मैं इस वाले आइलैंड के ऊपर खेती करूंगा जब मेरा मेंशन बन जाएगा। अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये देखो मेरा मेंशन। देखो हंसना बंद, मैंने ऐसे ही बना दिया है, बिकॉज इस एपिसोड का गोल मेरा घर बनाना नहीं है। वो तो ठीक है, बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओ भाई, मेरा घर है ये। विलेजर्स ऐसा ही करते हैं। इसको ये अपना घर तो नहीं लगने लग गया? अरे भाई जा यहाँ से, जा यार, मार भी नहीं सकता मैं। गोलम साइड में ही है। मैं जा रहा हूँ माइनिंग पे, बिकॉज मेरे को रेडस्टोन चाहिए और फिर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक रेडस्टोन हाउस बनाऊंगा। मैंने आई थिंक इस विलेज में देखी थी एक केव। यस, ये गई केव। वैसे पानी कहाँ से आ रहा है? यप, सो मैं केव के अंदर आ चुका हूँ। क्रीपर आ रहा है। ओके यस, नहीं बहुत जल्दी फट गया। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इस तरफ आई थिंक लावा है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। ये मैं टॉर्च इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ, लेकिन लाइटनिंग नहीं हो रही है। आई गेस मुझे ऑप्टिफाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो या, मैं अभी आता हूँ ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल करके। एंड देन ये हुआ। यस, ये वो 3 पार्ट 2 की क्लिप जो कि अब करप्टेड हो चुकी है। एंड ये वाली देख रहे हो 16 मिनट की है, जिसके अंदर मैंने माइनिंग करके डायमंड को ढूंढा था। सो देखो हुआ क्या, मैंने जैसे ही ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल किया, उसके बाद OBS ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। अब इन दोनों की दुश्मनी के बारे में मुझे पता नहीं था। एंड अब एक बार मैंने माइनिंग कर दी थी और डायमंड मिल चुके थे, सो अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। बाय द वे, विलेजर फिर आ गया, वहां पे 2 गोलम्स खड़े हैं, सो मैं कर भी क्या सकता हूँ। एंड तुम लोग देखो वो डायमंड, सिर्फ डायमंड नहीं है, गोल्ड एंड रेड स्टोन मिले थे। सो या यही थी वो करप्टेड माइनिंग। गोलम तो नहीं है ना?
साइड में आना थोड़ा, बच गया ये। ओके, मेरे शुगर केन्स बड़े हो चुके हैं, कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मैं शुगर केन्स को खेती वाले आइलैंड के किनारे पे लगा रहा हूँ। सोया पार्ट टू में इतना ही। आई नो ये पार्ट बहुत छोटा था, पार्ट थ्री को मैं बड़ा बना दूंगा एंड उसमें रेडस्टोन मेंशन बनाऊंगा। बाय द वे, तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, और हाँ सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।